दोस्तों आज के इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो 28 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहे हैं चाइना में। अब यहाँ पर Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन की पूरी जो कंफर्म फीचर्स है वो निकल के आ चुके हैं, साथ में प्राइस भी आ चुकी है जो कि आज की इस वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटिन्यूस वीडियो इस चैनल पर भी आने वाली है। बात करूँ इस स्मार्टफोन की सबसे पहले डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग आपको काफ़ी अच्छी इस बार देखने के लिए मिलने वाली है। फ्रंट के साइड में आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जैसा कि हर नोट सीरीज के स्मार्टफोन में दिया जाता है। उसके साथ में बैक पैनल पे आपको Redmi 10 Prime आप कह सकते हैं उसी स्मार्टफोन जैसी जो कैमरे की डिजाइनिंग देखने के लिए मिलती है, ट्रिपल रियर कैमराज यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करूं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में दिया गया है एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, आपको एमोलेड डिस्प्ले यहां पर दिया गया है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। उसके साथ में Redmi Note 11 सीरीज जो है वो 5G होने वाली है, इसलिए आपको MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा पीछे की साइड, 6GB रैम, 8GB रैम। उसके साथ में यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी, 67 वाट का चार्जर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और यहां पर आपको IR ब्लास्टर, 3.5mm ऑडियो जैक, ये सभी जो फीचर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये है पूरे कंप्लीट फीचर्स Redmi Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन के। बात आती है इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो यहां पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी निकल करके आ चुकी है। कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का 20 वेरिएंट जिसमें आपको 6GB रैम, 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलने वाली है, ये स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट पर चाइना में जाने वाला है अगर हम उसे इंडिया प्राइस से कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो कुछ 18,000 रुपये निकल करके आती है। अब अगर 18,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट आपको फीचर्स भी काफ़ी दमदार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, बस मैं उम्मीद करूँगा कि ये स्मार्टफोन इसी प्राइस पॉइंट पर इंडिया में भी लॉन्च हो जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा निकल करके आ सकता है। अब आपका क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, आप इस स्मार्टफोन को इन फीचर्स के साथ में किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब स्मार्टफोन लॉन्च होगा 28 अक्टूबर को, जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा पूरी डिटेल। और बात रही इंडिया लॉन्च के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 2022 के क्वार्टर फर्स्ट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये है पूरी डिटेल, अब आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।